अर्चना जी नमस्कार। नमस्कार जी। शेखो सर प्रणाम। प्रणाम। शर्मा जी आपने मेरी राम राम। शर्मा जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? शर्मा जी को कल ही इनके अनुभव के आधार पर इनको पत्नी पीड़ित संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। भाई पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय था, तेने तो मुझे डिमोट कर दिया राष्ट्रीय करके। शर्मा जी मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैंने रोशेल जैसी एक सुंदर सी लड़की देखी और उस लड़की को देख के मैंने एक ही बात सोची कि काश ये मेरी माँ होती तो मैं भी इतना ही सुंदर होता। शेखू सर जाट अपनी मस्ती में जीतता है। हाँ। तो एक जाट बैंक में चले गया लोन लेने के लिए। बैंक अधिकारी ने कहा बैंक में खाता है, बोला अब तक तो खाता था घर पे ही। बैंक में खाता। अगर लोन दे देगा तो बैंक में खान लग जाऊंगा। अच्छा हम लोग नियमों का बहुत पालन करते हैं। एक जाट ने हिमांशु भाई अपनी गाड़ी पे परमानेंट लिखवा लिया कि हमने ओवरटेक करने वालों का बढ़िया इंतजाम कर रखा है और पीछे से हॉर्न तो बिल्कुल मत बजाना वरना गाड़ी में लठ भी धर रखा है। ये सिखाने का तरीका है वरना लोग सीखते नहीं है। वो एक जाट टेंशन में बैठा, किसी ने आकर पूछ लिया, बोले भाई तेरे को किस बात की टेंशन होगी? बोले यार मैं एसी लाया था 1.5 टन का। बोले अच्छा, बोले तोला तो 62 किलो का निकला। शेखू सर जाट नौकरी कर ले बहुत कैड़ा काम है, बहुत, और उसको निभा ले वो उतना ही कैड़ा काम है। और मुझे तो एक दिन शर्मा जी छुट्टी की जरूरत पड़गी, रोशेल से मिलने जाना था। अब मुझे छुट्टी कैसे मिली वो सुनिएगा शेखू सर। ये भैंस भी खरीदनी थी, नौकरी भी करनी थी, कैसे करूं काम सारा, होने लगी टेंशन। सोचा हो के सस्पेंड, तनखा भी मार लूंगा, भैंस पे भी लोन करवाऊंगा मैं सैंक्शन। पर अधिकारी नहीं माना विनय विनती से, बच्चों की मिठाई को भी किया मैंने मेंशन, आखिर में दिए तो घुसंड मैंने थोपड़े पे, तब कहीं जाके मिला मुझे सस्पेंशन। ये सस्पेंशन ऐसे ही मिलता है जाटों को। तो शर्मा जी भी बता रहे थे पूरा हरियाणा ही मस्त है। वो एक माँ बाप अपने बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल में ले गए। मास्टर जी बोला हमारा स्कूल पूरा 10 एकड़ में फैला हुआ है। माँ बाप बोले हम बच्चे को यहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, चरने के लिए नहीं भेज रहे। पढ़ा गौर मान। अध्यापक स्कूल में आया, बोला बच्चों हमारे पूर्वज बंदर थे। बालक बोले थारे होंगे, मारे तो चौधरी थे। वो अध्यापक ने शर्मा जी दूसरे बच्चे से पूछ लिया, बोला भाई ये बता कौन सी ऐसी चीज है जिसको जितना खींचोगे उतनी छोटी हो जाएगी? बच्चा बोले जी बीड़ी। मास्टर बोले रहे निकम्मे मैं तेरा क्या करूं? बोले जी मेरा ब्याह कर दो रोल नंबर 31 के साथ। आरती मैडम हमसे बढ़िया जिम्मेदारी शर्मा जी कोई नहीं निभा सकता, और यह जिम्मेदारी हमने अपने दादा दादियों से सीखी है। वो मेरे को याद आ रहा है मेरा दादा एक दिन रोडवेज बस में बैठ लिया, कंडक्टर आया बोला ताऊ कहाँ की टिकट काटूं? दादा बोला भाई गुड़गांव की दे दे दो। कंडक्टर बोला दो क्यों? बोले भाई मान ले एक खो गई तो। अब कंडक्टर मजे लेने के मूड में आ गया, बोला ताऊ मान ले दूसरी भी खो गई तो। बोला रहा मैं इतना बावड़ी पूछना हूँ। एक टिकट मैंने बस स्टैंड से पहले ही ले रखी है। कंडक्टर बोला ताऊ मान ले वो भी खो गई तो। बोला रहा मैं हरियाणा का हूँ, मैंने तो पास भी बनवा रखा है। अच्छा। और शेखू सर बात तो ये सुनिए, कंडक्टर बोला ताऊ मान ले वो पास भी खो गया तो। बोला रे मैं तो अपनी जिम्मेदारी दिखा रहा था ना, मैं तो रोडवेज का ही कर्मचारी हूँ, मेरा तो स्टाफ चलता है। और ये दादा बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। शर्मा जी आपके घर में पोते पोती होंगे। वो एक दादा घर बैठा था, आर्ची मैडम पोता आया, बोला दादा एक बार टैं बोलियो। दादा ने सोची बाड़ा का कोई बात नहीं, बोला टैं। बच्चा बोला बल्ले बल्ले, चला गया। थोड़ी देर में दूसरा आया, बोला दादा एक बार टैं बोलियो। अब दादा ने सोची कोई बात नहीं, बाड़ा के एक बार और सही, बोला टैं। बच्चा बोला बल्ले बल्ले, चला गया। अब शेखू सर तीसरा आया, बोला दादा एक बार टैं बोलियो। दादा ने उसकी गर्दन पकड़ ली, बोला रे बता चक्कर क्या है?
इतनी देर से आ रहे हो, टाइम बोलियो टाइम, बोला चक्कर चुक्कर कुछ नहीं, अंदर मम्मी पापा को कह रही है घर में बड़ा टीवी लेकर आएंगे, एक बार बूढ़ा टाइम बोल जाए। मैं ज्ञान ध्यान की बात बताऊं, एक बच्चे की चप्पल टूट गई, चप्पल टूट गई शेखू सर, चप्पल ठीक कराने के लिए वो गया दुकान में, दुकान में बूढ़ा बैठा था, बोला ताऊ ये चप्पल ठीक कर दे, बूढ़े ने चप्पल उलट पलट के देखी, बोला भाई ये चप्पल ठीक नहीं हो सकती। अरे बोला कमाल की बात करता है ताऊ, कोशिश तो कर, नेपोलियन ने भी कहा है कोशिश करने से हर असंभव काम को संभव किया जा सकता है। ताऊ चप्पल देते हो, बोला जा नेपोलियन ते ठीक करा ले। अरे आरती मैडम, दादा दादानी दादी भी कमाल की, वो एक दादी ने सुबह सुबह अखबार खोला, पहली खबर पढ़ी हरियाणा में कल से विधवा पेंशन 2000 रुपए महीना बढ़ाई जाती है। अब दादी ये खबर पढ़ते ही दादा की तरफ देखने लगे। दादा बोला मेरी तरफ क्या देखती है? बोला तू मेरा हर महीने 2000 रुपए का नुकसान कराने लग रहे। तो ये दादा दादी का प्यार हरियाणा में कैसा होता, मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ आर्ची मैडम। कविता का शीर्षक, मेरे दादा की धोती। मेरे दादा की धोती, मेरी दादी ना धोती। ना तो दादी की मर्जी, दादा दादी का प्यार ऐसा ही हो। एक बार मेरी दादी ने मेरे दादा से कहा, शर्मा जी मेरे लिए क्या कर सकता है? हरियाणा का बुड्ढा क्या करेगा शेखू सर सुनिए। बोला किसी का सर फोड़ दूं मैं, चांद तारे तोड़ दूं मैं, धरती ने फाड़ रानी पानी काट लूं मैं, और एक बार बोल दे तू, मुंह जरा सा खोल दे तू, चांदी के लिए दांत सोने वाली जाड़ लूं मैं, हर खाने को छुआरे लाऊं, आलू के बुखारे लाऊं, लक्ष्मी की बेरी ते भी बेर झाड़ लाऊं मैं, और काया का मैं दारा सिंह बन के मैं तारा सिंह, पाकिस्तान जाके हैंडपंप फाड़ लाऊं। तारा सिंह बुढ़िया बोली टोकरी तू चार डाल, गोबर की आर डाल, और मैंस ने नहला के जोड़ ला देना तू एक बार, और ओढ़ के दुपट्टा मेरा, सीमेंट का कट्टा मेरा, मेरे घर में ही पहुंचा देना तू एक बार, और इतना उफण रहा, अरे दारा सिंह बन रहा, दंड पूरी 500 लगा देना तू एक बार, और लागरी से टूटी वो जो तेरे बाथरूम में उसी ने उखाड़ के दिखा देना तू। तब कहता हूं कि मेरे दादा की धोती, मेरी दादी ना धोती की अधिक अति कमाल थी, वही तोलिया वही रुमाल थी, उसी से नहाते उसी को धोते, निचोड़ के गर्मी में ओढ़ के सोते, हाट पे बिछती, हाट पे बिछती बिस्तर बन जाती, गुड्डे गुड़िया का घर बन जाती, और धोती क्या मच्छरदानी देगी थी, शेखू सर संक्रांत पे दादा को नानी देगी थी। ओहो, दादी धोती को देखती चीखती थी, क्योंकि दादी को धोती में नानी दिखती थी, तो जब भी देखती बैठ के रोती, पर मेरे दादा की धोती मेरी दादी नहीं धोती, मेरी दादी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल का फ्लेवर, कमाल की ऊर्जा, मजा आ गया आपका परफॉर्मेंस देख के। सुंदर साहब, अति सुंदर, बहुत धन्यवाद। तो हरियाणवी ताऊ के बारे में इतना कुछ सुन रखा है, और उसी को आपने कितनी खूबसूरती से सब बयां किया। आपका फ्लेवर, आपका अंदाज, आपकी जबान, आपकी शैली, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत 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 बढ़िया। आपकी पूरी पेशकश बहुत सुंदर थी, हरियाणा का जो फ्लेवर, मैं बचपन मेरा रोहतक में गुजरा, काफी साल हम वहां जाते थे, तो मुझे बिल्कुल वहां की खुशबू आ गई आपकी बातों से। वो एंड में जो आपने कविता बोली हो, क्या मेरे दादा की धोती, मेरी दादी नहीं धोती, मेरी दादी नहीं धोती, आहा हा वाह वाह, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत। सरपंच जी, हरियाणा के बारे में एक बात है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा होता है। किसी अनपढ़ से पूछ लिया, भाई तू कितना पढ़ा लिखा है? बोले कुछ नहीं, पढ़े लिखो में गलती निकाल लेते हम तो। इतना बड़ा लेवल होता है हमारा। और हरियाणा की बात क्या कहूँ, कि हमारे यहाँ तो हर बात में हंसी निकाल लेते हर बात। बिल्कुल जी। बिल्कुल। दो विधवाएं कह रही थी इन सुहागणों से तो हम ही अच्छी हैं। तो दूसरे ने पूछा, भाई हम कैसे अच्छी हैं? बोले हमें ये तो मालूम है कि हमारे पति कहाँ हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जी। आप कहाँ कहाँ से सुंदर हैं सर?
एक बात बताऊं, अब तक तो मैं समझता था मैं अंदर से ही सुंदर हूं, लेकिन आज हसीब मेरे पास बैठा तो मुझे यकीन हो गया कि मैं बाहर से भी सुंदर हूं। हसीब, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? क्या है कि किसी को दो पल की खुशी मिले तो अपने लिए तो बेटर। कितने सुंदर विचार हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देश की सबसे बड़ी समस्या मेरे हिसाब से वो देश की नहीं विदेश की भी हर तरह की सबसे बड़ी समस्या एक है, हर घर में पत्नी का एक प्रश्न जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है, सब्जी क्या बनाऊं। और इसको अगर राष्ट्रीय समस्या घोषित कर दिया जाए तो गलत नहीं है। मैं सिद्ध करता हूँ कि घरवाली छोरे को सुला रही थी, थपकी दे रही थी, दूध पिला रही थी, बोली सब्जी क्या बनाऊं। मैंने कहा कुछ भी बना ले। बोली इतना मत घबराओ, एक बड़ी ऐसी सब्जी आज आप बताओ। शेखू जी एक बार तो आंखों में पानी उतरा। एक बढ़िया सी सब्जी खाने का ख्याल मेरे मन में आया, मैंने कहा तोरी बना ले। बोली कल खाई थी। मैंने कहा अरवी बना ले। बोली परसों बनाई थी। मैंने कहा तो मैं अभी पनीर लाऊं हूं। बोली मैं क्या पनीर खाऊं। मैंने कहा तो पराठे हो जाएं। बोली मोटे हो जाओगे। मैंने कहा तो राबड़ी घोट ले। बोली खाते ही सो जाओगे। मैंने कहा तो चटनी बना ले। बोली लसन कोने। मैंने कहा गट्टे बना ले। बोली बेसन कोने। मैंने कहा कढ़ी बना ले। बोली सावन लाग गया। मैंने कहा दाल चढ़ाया। बोली छोरा जाग गया। अब ये कति नहीं सोएगा, कुकर की सिट्टी सुनते ही रोएगा। एक काम करो, ढाबे पे चले जाओ, दो बटर रोटी एक दाल बंधवा लो। चल पड़ा, मैं भी ना जाता तो भूखा ही मरता, पर कर्म भी कति सो गए थे, अंधेरा ज्यादा था, ढाबे भी बंद हो गए थे। उल्टे आके घर ने पूरी बात बताई, घरवाली फिर प्यार से मुस्कुराई, बोली पकड़ छोरे को, मैं आटा गूंथ लूं, पर ये तो बता सब्जी क्या बना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको जीवन में सबसे बड़ा आनंद कब आता है, किस काम के लिए? मेरे हिसाब से जीवन का मजा किसमें है दद्दू, मैं बताता हूँ कि पढ़े होल ईयर ना परिणाम क्लियर तो फादर के फियर का मजा कुछ और है। और सुने लगा ईयर जो मदर हो नियर तो बात विद डियर का मजा कुछ और है। और आंख में हो टियर दोस्त लाके बियर जो कर देवे चीयर तो मजा कुछ और है। और ऐसा लगे गियर कि एक पूरा ईयर जो पत्नी हो पीहर तो मजा कुछ। और सुंदर लगाए जब ऐसा गियर तो फिर मजा कुछ और है। थैंक यू।